हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी पोर्टल। स्टडी पोर्टल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज की इस टेस्ट सीरीज, ये नंबर है हमारा 10, वी टेस्ट सीरीज हम इसमें डिस्कस कर रहे हैं। और इसी तरीके से हम हर रोज टेस्ट सीरीज में डिस्कस करते हैं 20 से 50 क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। चाहे आप कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम दे रही हो जिसमें कंप्यूटर का पोर्शन आता है, आपके लिए टेस्ट सीरीज बड़ी ही फायदेमंद रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले, अगर आप लोग मुझे पहली बार सुन रहे हैं या इस चैनल पर नहीं है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि जैसे ही कोई भी टेस्ट सीरीज, कोई भी लेक्चर लाइव हो या कोई भी किसी भी एग्जाम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आई, तो आपको टाइमली आपके मोबाइल पर मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। ALU performs dash operation. जो ALU होता है वो कौन सा performance, कौन सा operations जो है perform करता है? Arithmetic, ASCII, algorithm based, logarithm based, या none of these? तो answer आपका यहाँ पे रहेगा A, arithmetic. ALU is arithmetical logical unit. ये arithmetic operations perform करता है। A group of related records in a database is called A या N. जो एक ग्रुप है रिलेटेड रिकॉर्ड्स का डाटाबेस में, उसको हम क्या कहते हैं? ऑब्जेक्ट, मेमो, टेबल, रिकॉर्ड, नन ऑफ दीज। आंसर क्या रहेगा आपका? सी, टेबल। ग्रुप ऑफ रिकॉर्ड्स को हम क्या कहते हैं? टेबल। व्हाट इज द जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स विच आर बिल्ड विद माइक्रो प्रोसेसर्स? तो कौन सी जो जनरेशन आपको वो बतानी है, कंप्यूटर्स की कौन सी जनरेशन है जो माइक्रो कंप्यूटर के साथ बनी हुई है? थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सेकेंड या प्रायर टू फर्स्ट? तो कौन सा ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट रहेगा? करेक्ट ऑप्शन है आपका बी, फोर्थ। नेक्स्ट, द डिजिटल टेलीकम्युनिकेशन टर्म ISDN इज एन एब्रीवेशन फॉर। जो डिजिटल कम्युनिकेशन टर्म है ISDN की, वो किसका एब्रीवेशन है? इंटरनेट सर्विस डाटा नेटवर्क, इंटरनेशनल सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क, इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क, इंटरैक्टिव स्टैंडर्ड डायनेमिक नेटवर्क्स, इंटीग्रेटेड स्टैंडर्ड डिजिटल नेटवर्क्स। आंसर आपका यहाँ पे रहेगा सी, इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क। सी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट, हाउ टू स्पेसिफाई सेल रेंज फ्रॉम A10 टू A25? अगर आप A10 से A25 की रेंज को स्पेसिफाई करना चाहते हैं एक्सेल में, तो कौन सा जो है बीच में इनके साइन यूज होता है? ये हाइफन वाला, टू लिखेंगे, कॉलन, सेमी कॉलन, या डॉट, फुल स्टॉप, या फिर हम कुछ नहीं लिखेंगे, बस स्पेस छोड़ देंगे। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे रहेगा सी। इस तरीके से हम लिखते हैं, जब भी आप कोई फॉर्मूला भी लिखते हैं, सपोज सम के लिए, तो आप क्या लिखते हैं? सम करना है A10 से लेकर A25 तक। तो इस तरीके से वो आपका सम का आपको रिजल्ट दे देता है। ठीक है, नेक्स्ट, इफ यू चेंज विंडोज 98 ऑपरेटिंग सिस्टम टू विंडो XP, देन इट इज नोन एज। अगर आप 98 ऑपरेटिंग सिस्टम को XP में कन्वर्ट करते हो, तो उसको आप क्या कहेंगे? अपडेट कर रहे हैं, पैच, पुल डाउन, पुश अप, या अपग्रेड कर रहे हैं? तो करेक्ट वर्ड इज अपग्रेड। किसी भी वर्जन से हायर वर्जन पे जाने को हम क्या कहते हैं? अपग्रेड। और हायर वर्जन से लोअर वर्जन पे आने को डाउनग्रेड। नेक्स्ट, ALU एंड कंट्रोल यूनिट ऑफ मोस्ट ऑफ द कंप्यूटर्स आर कंबाइंड एंड आर एम्बेडेड ऑन ए सिंगल। ALU और जो कंट्रोल यूनिट होती है मोस्ट ऑफ द कंप्यूटर्स की, वो कंबाइन होती हैं और एम्बेडेड की जाती हैं सिंगल पर। मोनोचिप, कंट्रोल यूनिट, माइक्रो प्रोसेसर, ALU या माइक्रोफिल्म? तो आंसर है आपका सी, माइक्रो प्रोसेसर। सी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट, क्वेट्री इज यूज विद रेफरेंस टू। जो ये है किसके रेफरेंस यूज होता है? प्रिंटर, मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक। तो ये बड़ा ही आसान है, सबको पता ही है, मोबाइल में भी हम ये यूज करते हैं और यहाँ पे भी, क्वेट्री, कीबोर्ड। वेयर डज मोस्ट डाटा गो फर्स्ट विद इन ए कंप्यूटर मेमोरी हायरार्की? अगर कंप्यूटर मेमोरी हायरार्की में जो डाटा है वो सबसे पहले कहाँ जाता है? रैम, रोम, बायस, कैचे या नन ऑफ दीज? तो किस में जाता है आपका? ए, रैम। ए ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट, रिजल्ट ऑफ ए कंप्यूटर वायरस कैन नॉट लीक टू। जो कंप्यूटर वायरस है वो क्या नहीं कर सकता है? डिस्क क्रैश, मदरबोर्ड क्रैश, करप्शन ऑफ प्रोग्राम, डिलीशन ऑफ फाइल या नन ऑफ द अबव? आंसर आपका रहेगा मदरबोर्ड को क्रैश नहीं कर सकता है, डिस्क क्रैश कर सकता है, प्रोग्राम को करप्ट कर सकता है, कोई एप्लीकेशन को करप्ट कर सकता है, फाइल को डिलीट कर सकता है, लेकिन मदरबोर्ड क्रैश नहीं हो सकता है। Which of the following extension suggests that the file is a backup copy? जो नीचे दिए गए extension है, उसमें से आपका कौन सा extension option वाला correct होगा, जिससे आपको पता चलता है कि जो file है वो एक backup copy है? BAK, BAS, COM, TXT, या none of these? Answer आपका क्या रहेगा? A, BAK। ये इससे पता चलेगा आपका backup copy है। Next,
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टोरेज मीडिया प्रोवाइड्स सिक्वेंशियल एक्सेस ओनली. इनमें से जो नीचे दिए गए ऑप्शन है, कौन सा स्टोरेज मीडिया है जो सिक्वेंशियल एक्सेस प्रोवाइड करता है? फ्लॉपी डिस्क, मैग्नेटिक डिस्क, मैग्नेटिक टेप, ऑप्टिकल डिस्क, या नॉन ऑफ दी. नेक्स्ट जो इसका ऑप्शन है वो है आपका फ्लॉपी डिस्क. ए ऑप्शन इज करेक्ट है. The dash becomes different shapes depending on the task you are performing. जो नीचे दिए गए ऑप्शन है उसके different different shape हो जाते हैं. ये depend करता है कि आप कौन सा task perform कर रहे हैं. Active tab के, insertion point, mouse pointer, ribbon, none of the above. तो C option है ribbon pointer. आपने कई बार देखो होगा सिर्फ cursor का जब आप type करते हैं तो, या फिर ऐसे जो है ऐसे arrow बन जाता है कई बार, है ना, इस तरीके से. अगर आप उसको कई बार कर देते कि वो उसकी शेडो दिखे तो इस तरीके से आपको घूमता हुआ भी दिखाई देता है, या कोई भी शेप आइकन आप इसको दे सकते हो. सपोज दिस, अब मैं पेन यूज कर रही हूँ पॉइंटर के लिए, तो आपको ये डॉट डॉट दिख रहा है यहाँ पे, ये डॉट. तो दिस इज क्या है, ये क्या है, मेरा माउस का पॉइंटर है. ये आपको जो राउंड में सरका दे, तो ये डॉट की फॉर्म में भी. तो डिपेंडिंग कि आप किस तरीके से उसको यूज कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग वो अपनी शेप ले लेता है. अब यहाँ पे मैंने सी ऑप्शन पे इसको किया है तो ये एरो के साइन है इस तरीके से. नेक्स्ट, A file extension is separated from the main file name with dash. एक file extension जो main file name से, जो file extension कैसे होता है, कोई भी file name जब हम save करते हैं तो पहले हम file का name लिखते हैं और automatically उसकी क्या हो जाती है, फिर extension जो लगभग तीन या चार alphabet की होती है. जैसे कि text के लिए text हो जाती है, notepad wordpad के लिए, ठीक है, JPG आपने देखी होगी, PNG image form के लिए, तो इस तरीके से PPTX PowerPoint के लिए, ठीक है, और आपका XLXX तो ये भी पावर पॉइंट के लिए. तो तीन से चार अल्फाबेट की आपकी एक्सटेंशन हो सकती है. तो किससे जो है अलग की जाती है, क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेशन मार्क्स, अंडरस्कोर, पीरियड, या नन ऑफ द अबव. तो आंसर आएगा आपका डी. तो आप डॉट को पीरियड भी बोल सकते हो, ये ऑप्शन यहाँ पे गलत है, आप इसको पीरियड भी बोल सकते हो. डॉट जो आपके फुल स्टॉप है इससे आप जो है अलग करते हो. Which of the following is not a method of accessing the web? जो नीचे दिया गया ऑप्शन है इसमें से कौन सा वेब को एक्सेस करने के लिए मेथड नहीं है? ISDN, CPU, DSL, modem, router. आंसर आपका CPU. B ऑप्शन इज करेक्ट. What does the acronym PDF stands for? PDF आपने कई बार सुना होगा, PDF यूज भी करते हैं, तो PDF का फुल फॉर्म क्या होते हैं आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं. तो पीडीएफ की फुल फॉर्म क्या होती है? पोर्टेबल डॉक्यूमेंटिंग फॉर्म फॉर्मेट, पोर्टेबल डॉक्यूमेंटेशन फाइल, पोर्टेबल डॉक्यूमेंटेशन फॉर्मेट, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फाइल. तो आंसर जो आपका करेक्ट रहेगा वो है आपका डी, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट. Which of the following procedures the best quality graphic reproduction? जो नीचे दिए गए ऑप्शन में इसमें से बेस्ट क्वालिटी ग्राफिक कौन प्रेजेंट करता है? लेजर प्रिंटर्स, इंकजेट, प्लॉटर, डॉट मैट्रिक्स, ऑल ऑफ द अबव. आंसर आपका प्लॉटर. प्लॉटर बड़े बड़े प्रिंटर्स होते हैं तो उनकी क्वालिटी जो है ग्राफिक्स की अच्छी होती है. LSI इन चिप टेक्नोलॉजी स्टैंड्स फॉर. LSI हम यूज करते हैं चिप टेक्नोलॉजी में, उसकी जो जो फुल फॉर्म होती है वो क्या होती है? लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, लो स्केल इंटीग्रेशन, सॉरी इंटरनेट, लोकल स्केल इंटीग्रेशन, लार्ज स्केल इंटरनेट, लो स्केल इंटीग्रेशन. आंसर आपका जो करेक्ट रहेगा वो क्या रहेगा? आपका ए, लार्ज स्केल इंटीग्रेशन. फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट. नेक्स्ट, कंप्यूटर विद 8026 माइक्रो प्रोसेसर. जो एक कंप्यूटर है वो 8026 माइक्रो प्रोसेसर है इसमें, तो क्या है? XT कंप्यूटर, AT कंप्यूटर, PS2 कंप्यूटर, PS3 है, या PS4 है? तो करेक्ट ऑप्शन जो आपका यहाँ पे रहेगा वो क्या है? करेक्ट ऑप्शन है आपका बी, AT कंप्यूटर. बी ऑप्शन इज करेक्ट है. नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब इन नेटवर्क इन विच ए कंपनी डाटा एंड एप्लीकेशंस आर स्टोर्ड एट ऑफसाइट डाटा सेंटर दैट आर एक्सेस ओवर द इंटरनेट. आपको बताना है कि जो नीचे दिए गए ऑप्शन में से है वो कौन सा टर्म है जो बेस्ट फिट बैठता है नेटवर्क में, जिसमें क्या होता है कंपनी का डाटा और एप्लीकेशन को स्टोर करते हैं ऑफिस डाटा सेंटर्स पर और वहां से इजिली एक्सेस कर सकते हैं इंटरनेट के थ्रू. तो क्या होता है ऑफिस में, उसके क्या टर्म देते हैं? एक्स्ट्रानेट, इंटरनेट, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, क्लाउड कंप्यूटिंग, या फिर लोकल एरिया नेटवर्क. तो राइट ऑप्शन है आपका बी, सॉरी क्लाउड कंप्यूटिंग. यहाँ पे हम डाटा एक्सेट क्लाउड कंप्यूटिंग पे देख सकते हैं. तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है. तो दोस्तों आज की वीडियो में था इतना ही. नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नई टेस्ट सीरीज के साथ. तब तक थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर. ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने एग्जाम के लिए तैयारी अच्छे से करते रहिए.